प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जामुन के बारे में। जामुन खाना कैसा है, जामुन खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जामुन किस वक्त खाना चाहिए और किस वक्त नहीं खाना चाहिए, जामुन किन लोगों को नुकसान देती है और किन लोगों को जामुन खाना ही नहीं चाहिए, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जामुन हमारे लिए फ़ायदों से भरपूर एक फल है जिसकी पत्तियां और छाल के साथ साथ गुठली भी हमारे जिस्म से कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। जामुन में आयरन की मकदार काफ़ी अच्छी होती है जो एनीमिया को ठीक करने में हमारी मदद करता है। जामुन जायके में खट्टी मीठी होती है और जामुन विटामिन सी से भरपूर होती है जो हमारे चेहरे की परेशानी या स्किन प्रॉब्लम को आसानी से ठीक करती है। अगर बात करें जामुन को खाने का सही वक्त और सही तरीका क्या है तो हम आपको बता दें, जामुन हमारे पेट से जुड़ी कई तरह की परेशानी ठीक करती है लेकिन इसे खाली पेट नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसे खाली पेट खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इसे खाली पेट छोड़कर दिन के वक्त कभी भी खा सकते हैं, यहाँ तक के रात के वक्त भी जामुन को खाया जा सकता है, ये आपके लिए फायदेमंद होता है। खाली पेट इसे खाने से आपको कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा खाली पेट जामुन खाने से आपको एसिडिटी यानी तेजाबियत का मसला भी हो सकता है, इसलिए जामुन को खाली पेट ना खाएं। जामुन खाने का तरीका ये है कि आप इसे खाना खाने के लगभग आधे या एक घंटे बाद खाएं और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर खाएं, इससे आपके पेट को भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अब अगर बात करें कि जामुन खाने के बाद कौन सी चीज़ नहीं खाना है, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे पेट में चला जाता है और वहाँ पर जमा हो जाता है और ये 2 से 3 घंटे तक वहाँ पर रहता है। इसके बाद जब हम दूसरी चीज़ खाते हैं तो वो भी हमारे पेट में चली जाती है और दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। अब अगर दोनों चीज़ें एक जैसा काम करती हैं, एक जैसा फ़ायदा करती हैं, तब तो ठीक है, वरना हमारे पेट को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको साथ में मिलाकर खाने से मना किया जाता है। ठीक इसी तरह आपको जामुन खाने के बाद या जामुन के साथ दूध नहीं पीना है क्योंकि इससे आपको चेहरे की परेशानी या स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जामुन के साथ अचार नहीं खाना है। अगर आपने खाने में अचार खाया है तो लगभग खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद जामुन नहीं खाएं। जामुन खाने के बाद हल्दी नहीं खाना है, यानी हल्दी से बनी हुई चीज़ों से परहेज करें, ये आपके जिस्म में रिएक्शन करती है जिससे आपको पेट में जलन हो सकती है। जामुन खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है क्योंकि ऐसा करने से आपको भारीपन महसूस हो सकता है, आपको खट्टी मीठी डकार आने की दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब आपको जामुन नहीं खाना है। याद रहे, अगर आपको उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, तो आप जामुन नहीं खाएं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कहीं पर भी सूजन की परेशानी है तो भी आपको जामुन नहीं खाना है। जामुन ऐसा फल है जिसे लोग काफ़ी वक्त से खाते आ रहे हैं। सेहत को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ जामुन बल्कि इसकी गुठलियाँ छाल भी फायदेमंद है। जामुन खाना आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। जामुन का इस्तेमाल करने से लीवर से जुड़ी कई परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपके लीवर में कमज़ोरी है तो आपको जामुन ज़रूर खाना चाहिए, इससे लीवर की कमज़ोरी जल्द दूर हो जाती है। पीलिया हो जाने पर जामुन का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच जामुन का सिरका मिलाकर कुछ दिनों तक रोज़ वक्त पर पीने से बड़ा हुआ लीवर ठीक हो जाता है। जामुन में थोड़ा नमक डालकर खाने से दस्त की परेशानी ठीक हो जाती है। अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो जामुन का इस्तेमाल करने से दस्त की परेशानी ठीक हो जाती है, भूख अच्छी लगती है और पेट दर्द में भी आपको राहत मिलती है। डायबिटीज़ यानी शुगर में जामुन खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ासकर इसके गुठली शुगर में बेहद फ़ायदेमंद होती हैं।
जामुन की गुठली का पाउडर एक चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ लेने से आपको शुगर की परेशानी में बहुत राहत मिलती है और बार बार पेशाब आने की परेशानी भी ठीक होती है। इसके साथ ही जामुन आपके दांतों के लिए भी फायदेमंद होती है। अगर दांतों में दर्द की परेशानी है, मसूड़े फूलने की परेशानी है, दांतों से खून आता है तो इसके लिए जामुन का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद होता है। दमा में भी जामुन का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। अगर गले में दर्द है या आवाज़ बैठ गई है तो आपको जामुन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये इस परेशानी में भी बहुत फायदेमंद होती है। आँखों से रिलेटेड परेशानी को दूर करने के लिए भी जामुन बेहद फायदेमंद होता है। जामुन में विटामिन ए पाया जाता है जो आपकी आँखों के लिए फायदेमंद होता है। ये आँखों से जुड़ी कई तरह की परेशानियों को दूर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी आपको आँखों से रिलेटेड परेशानी ना हो, आपकी आँखों की रोशनी कम ना हो, तो आपको जामुन ज़रूर खानी चाहिए। साथ ही आपकी स्किन के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा भी जामुन के कई सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये फ़ायदे आपको उसी वक्त मिलेंगे जब आप जामुन को सही वक्त पर और सही तरीके से खाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।